अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना कि तुसों सारे बंदे बाल उसो। तो मैं तुसों दोस्त नबील अल्ताफ, तो तुसों तकीर हो अपना यूट्यूब चैनल नबील इंटरटेनमेंट। दोस्तों कुर्बानी नहीं आमद आमद है, तो कल नहीं वीडियो तुसें ही जानवर खरीदने ने जो असूल तरीकाकार है वह दसिया, तो कल नाल ही तुसों की दसिया सी कि बहुत ज़्यादा तेजी नाल फैलने वाली बीमारी जड़ी कुर्बानी ने जानवरों से है, जिसकी लैम्बी स्किन ने नाल बुलाया जाना, वो आज़ाद कश्मीर ने अंदर जानवरों की आई चुकी है। बड़ी कोशिश करने तो बाद खुरटा ने अंदर एक दो केस ऐसे असं की मिले जिन्हें जानवरों की लैम्पी स्किन होया सी, ते बड़ा सफ़र तय करने तो बाद असं आज एक जानवर जड़ा उसकी ट्रेस किया, मास्टर ने रखा नाल, ते जानवर को असं इस टाइम पहुँची आए हैं। वो जानवर तुसें दसने हैं, वो जानवर दसने ना बेसिक थीम ये आ कि जड़ा कस्टमर नया जानवर खरीदना पाया वो इस चीज़ की लाइट ना कि ना एक बीमारी है जिसने ट्रीटमेंट ते विद टाइम हो ही जाना, लेकिन वक्ती तौर पर इसकी अगर ये बीमारी किसी जानवर की वह तो उसकी किन्ने तो इजतनाब किया जाए। आज तुसा कि वो बीमारी जड़ी है किस किस्म नहीं है वो तुसें दसा, अगर जानवरों की वो बीमारी नहीं आई उन्होंने हिफाजती जड़े इकदाम वो दसा, अगर बीमारी आई गई है तो उस पर क्या ट्रीटमेंट करना वो तुसें दसा, तो मास्टर असें ना लाने तो मास्टर ना करो मुलाकात, तो फिर तुसा की असें दसने हो जानवर। हाँ जी सर। हाँ जी मास्टर जी, क्या हाल है सर, खैरियत है? सेहत तबा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थके तो ना सफर नाल? नहीं सर, कुछ थोड़ा जरा कच्चा पिया तो थोड़ा आया था, बाकी ठीक। लेकिन आवाम वास्ते कम करना चाहिए, ये असाल है, स्वाब है, कार खैर है। जुलिया जानवर को जी, तो दोस्तों ए दख वो जानवर है जिसकी लैम्बी स्किन होया, ठीक है। तुसें सब तो पहले मैं ये जानवर दसना कि लैम्बी स्किन चीज क्या, जिस तरह किसी जानवर की मक्खी ने कटने तो बाद छोटे छोटे फोड़े होने, वो फोड़े जानवर की सारे जिस्म पर निकले, ठीक है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने जरा साइज है वह बहुत छोटा होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने साइज बड़ा होना जाना, बड़ा होने तो बाद उसने अंदर जी पीप है जिसकी रेशा आख्या जाना वह पैना, और रेशा पैने तो बाद अगर उस टाइम उसने ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो जड़ा वो फटना और फटी का उसने बिचू जी रतूबत है वह बाहर रचनी है, ठीक है। ए चेक करी कि नो इस जानवर ने स्किन पर हूं तो इसी मैं लग रहा कि काफी ट्रीटमेंट किया गया तो कट हो तो कुछ नहीं, जिसम पर छोटे छोटे तुसा की दाने नुमा चीजा दिसनिया पियो सन, ज्यादा इसने जेडे अगले हिस्सा जिसकी असा कोली आखने आ, जिसकी बगल आखने आ, इस पर ए तो को छोटे छोटे बने न, और एक ग्रीन कलर ने इस पर जेडी स्प्रे है वो भी हुई हुई है, ठीक है। इस जड़ी बीमारी है उसनी अलामात ये कि पूरे जिसम पर छोटे छोटे दाने, ते जानवर की तेज बुखार, तेज बुखार तो बाद नक ते मुंह ते अखियां चू जड़ा रतूबत अशनी है जड़ा रेशा ओ अशना, ठीक है। इसनी हिफाजती अगर किसी भी बंदे ने जानवर की यह बीमारी आई चुकी है वह जड़ा अपने जानवर की बाकी जानवरों तो अलग करी कि ना, प्लस जड़ा जानवर है ना उस की जड़ी है ओ स्प्रे की जाए, वो वाली स्प्रे जिस पर जिसनी वजह तू इस पर मक्खियां ना बैन, ठीक है। फासदी तदाबीर है, निकोरे फिर सुनी नो कि जानवर की स्प्रे मारी जाए ताकि उस पर मक्खी बेई ते दुए जानवर की ना कटे, क्योंकि वायरल डिजीज है, एक जानवर तो दुए जानवर मुंतकिल हो जानी है, ठीक है। तो इसकी जिस जगह पर रखो उस जगह पर जगह की है तो कौन इधर ही ना बदेश की रखे, लेकिन जगह गंदी है, इस जगह की हमेशा साफ रखो, जितनी सफाई इसने गिर्द रह सी इतना ज्यादा बेहतर है। ए तो कोई सारी इसने जानवर ने जिसम पर ए दाने मौजूद हैं, तुसा की हूं इसनिया सब तू पहले हिफाजती तदाबीर दसने, सब तू पहले अगर किसी बंदे कोई जानवर आंदे तो उन्हें की वैक्सीनेशन करवाई जाए, जेड़ा जानवर जिस टाइम भी किनो अगर किसी व्यापारी को किनो तो उस को कन्फर्म करो कि वैक्सीनेटेड है या नहीं, अगर तुसा किधरों मंडी चू किन्ने हो तो सब तू पहले उसकी जड़ा वैक्सीन लवाओ, ठीक हो या अगर अगर तुसा एक जानवर की नहीं था वो वैक्सीनेटेड है उसकी कार खड़ो, बाकी जेडे कार ने जानवर फिर भी उसकी बाकी जानवर तू अलग रखा जाए, कोशिश करो कि जिस जानवर की ये बीमारी है उसने गिर्द अगर तुसा स्प्रे नो मारने तो फिर भी उसने गिर्द जेड़ा धुआं आ वो लाई रखो ताकि जेडिया मक्खियां मच्छर न उस तू दूर रहें।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਕੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਖ ਨਮਾ ਛਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਖੰਡੇੜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਫਟੇ ਨੇ ਫਟਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਇਸ ਨੀ ਫਿਲ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪੈਨਸਲੀਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲੀਨ 40 ਲੱਖ ਅਗਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਕੀ ਐਵਲ ਵੀ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਪਰਾਸੋਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 cc ਇਹ ਡੋਜ਼ ਬਣ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲੀਨ 40 ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕੀ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਕਲੋਫੈਨਿਕ ਸੋਡੀਅਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ 5 ਐਮਪਿਊਲ ਹੋਣੇ 15 cc ਉਹ ਡੋਜ਼ ਬਣਨਾ ਉਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੋਕਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 10 to 15 cc ਲੋਕਸਨ ਲਾਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬਹਿ ਜਾ ਸਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਸੀ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਵਾਮ ਉਨਾਸ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣੇ ਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੈਂਬੀ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣੇ ਪਿਓ ਇਸ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝੀ ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਅੱਛਾ ਤਮਾਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਦੋ ਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ।